आज का दिन ऐतिहासिक फैसला लिया गया है सदन में, और महिलाओं को लेकर 33% का रिजर्वेशन मिला है महिलाओं के लिए, एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। ऐसे में महिलाएं जो यात्रा कर रही हैं उनसे जानेंगे। मैडम, 33% का आरक्षण मिल गया, अब आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद थी कि राजनीति में इतनी बड़ी भागीदारी मिलेगी? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी। तो आपको लगा कि मोदी है तो मुमकिन है? यस। कुछ और लोगों से जानते हैं, अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी मिलेगी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, जब तक आप लोग नहीं हम लोग को बराबरी की नज़र से देखेंगे, तब तक कितना भी कोई भी नियम आ जाए, सही मायने में वो तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा जब आप लोग कोऑपरेट करेंगे। हम लोग को आरक्षण इसलिए नहीं चाहिए, हम लोग को आरक्षण इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोग को समाज में जिस तरफ से मतलब हम लोग उठ के आ रहे हैं उसको बाहर निखड़ने के लिए हम लोग को आप लोग का सपोर्ट के बिना थोड़ी ना कुछ हो सकता है। तो है तो बहुत खुशी की खबर ये, अब देखिए क्या होता है, हो सकता है इससे अब कुछ अपराध भी कम हो जाए महिलाओं के प्रति। सदन में भी और राजनीतिक तौर पे भी जो हिस्सेदारी और भागीदारी है वो भी सदन के अंदर देखने को मिलेगा। हाँ, वो भी है, जब तक बोलते हैं ना कि जब तक दोनों पार्ट ऑफ सोसाइटी जब तक नहीं आएगा निखर के, तब तक कैसे समाज का ग्रोथ होगा। एक समाज का ग्रोथ होने के लिए पुरुष और महिलाएं दोनों अगर बराबरी से हिस्सा नहीं लेंगी समाज में तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ है ये, ऐसा हुआ है तो बिल्कुल। तो इस बात को लेकर तमाम जो महिलाएं हैं उनमें खुशी है, कुछ और महिलाएं हैं उनसे जानते हैं। मैडम, ये बताइए कि क्या लगता है, कितनी खुशी है इस बात को लेकर कि सदन में अब महिलाओं की हिस्सेदारी 33% से ज़्यादा है? बढ़िया है, जो होगा अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा होगा। आप क्या कहती हैं? ठीक है, तो खुशी की बात है मैडम, आप भी बताइए। हाँ, खुशी का बात है, बहुत अच्छा संरक्षण तो होना चाहिए ये महिला को। बिल्कुल, साफ तौर पर महिलाएं ये कह रही हैं कि अब तक बस में, ट्रेन में, और जिस तरीके से महिलाओं के लिए एक आरक्षण मिला है सदन में अंदर, राजनीतिक तौर पे अगर भी हिस्सेदारी और भागीदारी मिलेगी तो इनकी जो आधी आबादी है उसका सपना साकार होगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज 22 को पटना। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क, एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।